हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स आप लोगों का स्वागत है चैनल पर दोबारा एमसीक्यू सीरीज़ में और हम बात करेंगे फिर से लिटरेरी थ्योरी का तो ये सेकंड पार्ट है उसका हंड्रेड क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसे चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि जो नए कोर्सेज़ आ रहे हैं उनके बारे में पूरी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी एम का पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पर Uh, मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं आई विल विट यू देयर नाउ लेट्स स्टार्ट रेस एम्स्यूज आज के एम्स्यूज शुरू करते हैं जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्क ऑफ अ डिकन्स्ट्रक्शनिस्ट क्रिटिक जो एक डिकन्स्ट्रक्शनिस्ट uh, क्रिटिक uh, है उसका जो वर्क है उसको बेस्ट कौन सी चीज डिफाइन करेगी कॉलिंग इन टू क्वेश्चन द पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑफ कोस सजेस्टिंग दैट द स्टडी ऑफ लिटरेचर इज बेस्ड ऑन द ब्रेक डाउन ऑफ लैंग्वेज इन टू साइन आर्ग्यूइंग दैट लैंग्वेज दैन दे आर फॉर लिटरे टेक्स्ट रिलाइज ऑन डिफरेंस बिटवीन टर्म्स एंड दे आर फॉर कॉन्स्टेंटली डेफर्स मीनिंग ऑल ऑफ द अबव आंसर्स आर करेक्ट सो योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव क्योंकि जो डिकन्स्ट्रक्शन होता है वो ब्रेक डाउन ऑफ लैंग्वेज पर भी डिपेंड करता है और जो ब्रेक डाउन किए जाते हैं और डिफरेंस बिटवीन टर्म्स होते हैं उनसे कॉन्स्टेंटली मीनिंग हम निकालते हैं तो ये सारे जो हैं वो इसके आंसर हैं हाउ मैनी प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी आर देयर अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस जो लॉन्जाइनस हैं उन्होंने अकॉर्डिंग टू कितने जो प्राइमरी है, सोर्सेज हैं वो बताए हैं सबलिमिटी के तो जो ये सबलाइम था ये कॉन्सेप्ट दिया था लोंजाइनस ने अब इसको देख लेते हैं थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो आपका जो आंसर है वो है सी ये है आपका फाइव इन द एसे द डेथ ऑफ़ द लेखक रोलेन बार्स आर्ग्यूज व्हाट अबाउट लिटरेचर जो रोलेन बार्स हैं उन्होंने अपने एसे The death of the author may kya discuss kya tha, kya argue kya tha Biographical information about the author must be considered when evaluating literature. A text and its author, author text are unrelated. It is possible to distill meaning from a work based on the author's politics. Literature is inextricably connected to its creator. तो जो आपका राइट right आंसर है वो है आपका बी नेक्स्ट हु इज द ऑथर ऑफ द नोचरस बुक इन टाइटल द स्कूल ऑफ़ अब्यूज़ ये जो स्कूल ऑफ अब्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का लिटरेरी थ्योरी का आप मॉडर्न जो लिटरेरी थ्योरी है उसे यहाँ से स्टार्ट मान सकते हैं जो लिटरेरी थ्योरी है वो आप प्लेटो से स्टार्टिंग मान सकते हैं प्लेटो एरिस्टोटल से लेकिन जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो स्टीफन गौसन के वर्क ओके okay, आप लोगों के जो ऑप्शंस थे वो थे रॉजर एस्टेम स्टीफन हाउस जॉन स्कैल्टन और स्टीफन गॉसन तो जो बुक है द स्कूल ऑफ अव्यूज इसमें पोइट्री को यूजलेस बताया हुआ है और यूजलेस बताने के साथ में ही प्लेटो का उसमें रेफरेंस दिया हुआ है क्योंकि प्लेटो ने कहा था हमने जैसा पिछले एम में देखा था कि आ, आर्ट वर्क इज कॉपी ऑफ कॉपी जो जो भी पोइट्री होती है वो आ, फेक होती है कॉपी ऑफ कॉपी होती है तो ये बात कही थी प्लेटो ने उसी का रेफरेंस लेकर जो स्टीफन गौसन थे स्टीफन गौसन ने फिर आ, ये बात कही थी चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्रिफिस्ट टू लिरिकल बैलेड वॉज रिटन बाय जो प्रिफिज टू लिरिकल बैलेड है वो किसने लिखा था बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं ऑप्शन वर्जवर्थ कॉलरिज साउदी और शैली तो ये आपका एक्चुअली जो रिटर्न हम मान के चलेंगे वो वर्जवर्थ का था वैसे ये कोलेबरेटिव वर्क था कॉलरिज और वर्जवर्थ का द फ्रेंकफर्ट स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी वॉज मोस्ट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थाट जो फ्रेंकफर्ट स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी था वो किससे इन्फ्लुएंस था तो जो फ्रेंकफोर्ड था स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी है आपके ऑप्शन हैं फॉर्मलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और मार्क्सिज्म तो आपका जो राइट right आंसर है वो है मार्क्सिज्म दिस सब्लाइम सब्लाइम इज इन जो जो वर्क मैंने अभी बताया था लॉन्जाइनस का उसमें वो जो ओरिजिनली लिख, लिखा गया था वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था ग्रीक लेटिन हिब्रू या इटालियन तो आपका राइट right आंसर है फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स क्लीनस ब्रुक्स एटीट्यूड टूवर्ड्स स्टडिंग लिटरेचर जो क्लीनस थी क्लीन ब्रुक उनका जो स्टडिंग लिटरेचर है उनका क्या एटीट्यूड था उस बारे में क्रिटिक शुड एग्जामिन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन सराउंडिंग आ लिटरीवर्क क्रिटिक्स शुड डिवेलप यूनिवर्सल रीडिंग ऑफ टेक्सट क्रिटिक्स शड अटैम्प टू पैराफ्रेज टेक्स्ट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वट दे मीन क्रिटिक्स शड लुक एट बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑथर तो आपका जो राइट right आंसर है वो है बी जो क्लिनिस ब्रुप थी उन्होंने कहा था कि क्रिटिक्स शुड डिप यूनिवर्सल रीडिंग्स ऑफ टेक्स क्रिटिक्स का एक ड्यूटी है कि यूनिवर्सल रीडिंग वो करे विच थियोरिस्ट एज मोस्ट क्रो क्लोजली एसोशिएटेड विद द आइडिया ऑफ आर्ट एज इमिटेशन तो यहाँ पर जो इमिटेशन वाला है वो किस किस से सबसे ज़्यादा रिलेटेड है और इसमें इमिटेशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में ये भी देखा था मिमेसिस वर्ड भी हमने इमिटेशन के लिए देखा था तो वो किसने दिया था जैक्स जैक्स डेरिडा जैक्स लाकन एडवर्ड सेड या प्लेटो तो आपका जो राइट right आंसर है वो है प्लेटो आप पिछली वीडियो भी जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी थ्योरीज के बारे में हमने बात की है आपका दो तीन वीडियो में ही काफी सारी थ्योरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी हु जो किड्स के लव लेटर थे वो सर्जन के अप्रेंटिस थे तो आपका जो राइट right आंसर है वो है अनॉल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू विच थियोरिस्ट इज एसोसिएटेड विद द आइडिया दैट आर्ट इज अ कापी ऑफ कॉपी अभी इसके बारे में हमने बात की थी तो प्लेटो जूलिया क्रिस्टिवा वॉल्टर बेंजामिन और लुइस आल तो जो कहा था आर्ट ऑफ आर्ट आर्ट इज कॉपी ऑफ कॉफी यहाँ से एक वर्ड uh, निकला था इमिटेशन ओके okay? और इमिटेशन को ही उन्होंने मिमेसिस भी कहा था और इससे अगर आप रिलेट कर पाए तो जो स्टीफन गौसन थे उनका स्कूल ऑफ अब्यूज हमने देखा और जो स्कूल ऑफ अब्यूज था उसके रिप्लाई में कौन सा वर्क लिखा गया अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इस तरह का आप एक सीरीज बना सकते हैं लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसमें तो प्लेटो यहाँ पे आ जाता है आपका आंसर प्लेटो नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज जो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजिडी है वो एरिस्टोटल ने उसके बारे में क्या कहा था वो सिंपल होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए लूज होनी चाहिए या एपिसोडिक होनी चाहिए तो उसके लिए द एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ट्रेजिडी है उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए हु इज द राइटर ऑफ हैमलेट एंड ऑडिपस जो हैमलेट एंड ऑडिपस था ये किसने लिखा था ये क्रिटिकल वर्क है आपके आंसर हैं कार्लजंग ब्लूम अर्नेस्ट जोन्स एरिक एरिक्शन तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑनेस्ट ऑनेस्ट जोन्स ये वर्क आपका पब्लिश हुआ था 1949 में व्हाट इज डायलॉगिज्म अभी डायलॉगिज्म क्या है इसके बारे में देखते हैं आपके जो ऑप्शंस हैं वो है टर्म डिवेलप्ड बाय मिकेल भक्तिन अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब हाउ टेक्सट इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ स्टाइल्स अ टर्म यूज़ टू एक्सप्लेन दूसिस ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू इन लिटरेचर ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट तो आपका जो आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट तो आप इसे नोट बना सकते हैं अपने लिए डायलॉगज़म जो था वो था मिखिल भक्ति ने दिया था और ये एक टर्म है जहाँ ये देखा जाता है कि डिस्क्राइब किया जाता है कि जो टेक्स्ट हैं वेराइटी ऑफ स्टाइल उनमें किस तरह से यूज किए जाते हैं टू एक्सप्लेन द यूज ऑफ मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू इन लिटरेचर फिलिप सिडनी का जो वर्क है अपॉलजी फॉर पोएट्री अपॉलजी फॉर पोएट्री इज अ डिफेंस ऑफ पोएट्री अगेंस्ट चार्जेस ब्रॉट अगेंस्ट बाय तो यहां पर आपको आंसर मिल चुका है मैंने आपको कहा था कि कमेंट बॉक्स में लिखिए जो आंसर है तो यहाँ पे फिलिप सिडनी ने अपॉलजी फॉर पोइट्री लिखा था आप लोगों को फिर से रिवीजन करवा देता हूँ जो प्लेटो थे प्लेटो ने एक कॉन्सेप्ट uh, दिया था इमिटेशन का उन्होंने कहा था कि आर्ट इज़ कॉपी ऑफ कॉपी फिर उन्होंने इमिटेशन को uh, का जो अनदर वर्ड था वो मैसेज कहा था और उसके बाद जो इसी चीज़ को फाउंडेशन बनाकर स्टीफन गौसन्स ने एक वर्क लिखा था स्कूल ऑफ स्कूल ऑफ अब्यूज और फिर जो स्कूल ऑफ अब्यूज था उसके आंसर में फिलिप सिडनी ने अपोलॉजी फॉर पोएट्री लिखा था तो ये सीरीज आपको याद हो गई होगी ओके okay, अगर याद हो गई है तो आप लोग इसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एक दो कमेंट कर दीजिए कर दिया कीजिए द स्टेटमेंट्स बिलो आर स्टेप्स ऑन हाउ टू रीड अ शॉर्ट स्टोरी क्रिटिकली व्हिच कम्स इन एज द लास्ट थिंग टू डू इन क्रिटिकल रीडिंग इन अ नैरेटिव

कॉलरेज और एलियट तो आपका जो राइट right आंसर है वो है आपका कॉलरेज फॉल ऑफ द प्रिजन ऑफ बेसाइल दैट मार्क्स बिगनिंग ऑफ बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड इन तो ये कब हुआ था जून फोर्टीन सेवनटीन एटी नाइन जून फोर्टीन सेवनटीन नाइनटी एट जून जुलाई फोर्टीन सेवनटीन एटी नाइन जुलाई फोर्टीन सेवनटीन नाइनटी एट तो आपका जो राइट right आंसर है जैसा कि हमें पता है कि सेवनटीन एटी नाइन स्टार्टिंग पॉइंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का और लेकिन यहाँ पे जून और जुलाई में आपका कंफ्यूजन हो सकता है तो ये था आपका जुलाई फोर्टीन फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ में आप लोग एक चीज और याद रख सकते हैं यहाँ पर कि जो ब्लेक की पोइट्री थी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस ये दोनों भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि 1789 से में ही ये भी पब्लिश हुए थे वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म इज दैट इट tends टू मेक रीडिंग टू सब्जेक्टिव यहां पर जो एक हमें स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म बताना है जिसका एक डिसएडवांटेजेस ये है कि वो रीडिंग को सब्जेक्टिव बना लेता है तो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म दीज आर ऑल इक्वली सब्जेक्टिव तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म एन एलजेथन प्योटिन क्रिटिक द दॉइट एज फादर ऑफ लाइज ये फिर वही से शुरू हो गया आप इसमें देखते हैं क्रिटिक थे जिन्होंने पोइट्स को कहा था फादर ऑफ लाइज स्कूल ऑफ अब्यूज एंड कैटरपिलर्स ऑफ कॉमनवेल्थ हिम आउट ऑफ फॉलोइंग क्रिटिक्स तो ये किसने कहा था फादर ऑफ लाइज तो किसने फादर ऑफ लाइज स्कूल ऑफ अब्यूज उसने uh, कहा था पोइट्स को तो ये आपका रोजर एस है सॉरी स्टीफन गॉसन इसका आंसर है नेक्स्ट इज व्हाट इज डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है वो क्या है अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिस क्रिटिसिज्म दैट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट डज नॉट इनकॉर्पोरेट इकोनॉमिक कंसर्न

What literary critic is the term the author function most closely associated? जो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं क्लॉड लेवी स्टॉस जैक्स डेरिडा जैक्स लाकन और माइकल फोकल्ट और माइकल फूको एक्चुअली इट इज नॉट फोकल्ट इज फूको सो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो ऑथर का जो फंक्शन है उससे क्लोजली कौन सा क्रिटिक रिलेटेड uh, है तो आपका माइकल फुको ही इसका आंसर है हु मेड अ डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड पोएम कौन था वो जिसने की पोइट्री और पोएम में डिफरेंस बताया था कॉलरेज एडिशन अनाल्ड एलियट तो आपका जो राइट right आंसर है वो है कॉलरेज अकॉर्डिंग टू देनेवा स्कूल वट इज द फंक्शन ऑफ रीडर जो जेनेवा स्कूल है उसने जेनेवा स्कूल ऑफ Uh, अगर आपको नहीं पता कि स्कूल का सिंपली मतलब ग्रुप होता है सो जेनिवा स्कूल मीन जेनुआ ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स तो ये उनका जो रीडर का फंक्शन उन्होंने बताया वो क्या बताया था अंडरस्टैंडिंग द ऑथर्स आइडियाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड एंटरिंग द ऑथर्स माइंड थ्रू हिज और हर लिटरी वर्ड्स एंड रिप्रोड्यूसिंग द ऑथर्स दॉट्स इन आर क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट या ऑल ऑफ द अबव तो आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं उ मनी पॉइंट्स वर इंक्लूडेड जॉनसन मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पॉइंट्स जो जॉनसन ने लिखा था दाइफ्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पॉइट्स उसमें कितने पॉइंट्स थे फोर्टी एट फिफ्टी फिफ्टी टू फिफ्टी फोर सो योर आंसर इज सी फिफ्टी टू तो जो ये जो था मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पॉइंट द लाइफ्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पॉइट बाई जॉनसन उसमें फिफ्टी टू पॉइंट्स थे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन दर्क ऑफ डिकन्स्ट्रक्शन अब हम इसका फिर से जितने हमने अभी तक किए हैं उनको पहले एक बार रिविजन कर लेते हैं सबलिमिटी के कितने सोर्सेज लॉन्जाइनस ने बताए थे तो आपका जो राइट right आंसर था वो था आपका फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू जो डेस्क ऑफ दॉलैंड बार्थ ने कौन सा आइडिया आर्ग्यू किया था या कौन सा आइडिया उसने इसमें बताया था तो आपका जो राइट right आंसर है वो है बी टेक्स्ट एंड इट्स ऑथर आर रिलेटेड जो टेक्स्ट है और इसके जो ऑथर हैं वो अनरिलेटेड होते हैं हाउ मेनी प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी आर दे अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस जो लॉन्जाइनस थे उन्होंने सबलिमिटी के कितने सोर्सेज बताए थे तो आपका जो राइट right आंसर था वो था फाइव नेक्स्ट है जो डेथ ऑफ ऑथर था जो वर्क था डेथ ऑफ द ऑथर उसमें रॉल एंड बार्थ जो थे उन्होंने कौन सा अपना आइडिया इसमें बताया था क्या बात उन्होंने बताई थी आंसर था अ टेक्स्ट एंड इट्स ऑथर टेक्स्ट आर अनरिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू हु ऑथर ऑफ नोचरस बुक जो नोचर्स बुक लिखी गई थी दी स्कूल ऑफ अब्यूज इसमें मैंने काफी बार आप लोगों को हिंट दे चुका हूँ इसमें जो आंसर है वो कौन सा है एच एम हाउस स्कैल्टन या गौसन तो आपका जो आंसर है गौसन रिपीटेडली बातें इसलिए बताता हूँ कि साथ साथ में ये सारी चीज़ें आपको याद होती चले प्रिफर्स टू लिरिकल बैलेट वॉज रिटर्न बाय जो प्रिफर्स टू लिरिकल बैलेट था वो किसने लिखा था ये आपके थे वर्ड वर्थ जैसा मैंने आपको बताया ये कोलेबरेटिव वर्क था वर्ज वर्थ या कॉलरिज का हमेशा आपको ऑप्शन इसी तरीके से मिलेंगे दी फ्रेंकफोर्ट स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी वॉज मोस्टली ग्रेटली इन्फ्लुएंस तो जो फ्रेंकफोर्ट स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी था वो किससे कनेक्टेड थे तो आपका जो राइट right आंसर है वो है आपका मार्क्सिज्म सब्लाइम किस लैंग्वेज में लिखा गया था तो आपका जो ऑप्शंस हैं ग्रीक लेटिन हिब्रू या इटालियन तो आपका राइट right आंसर है ग्रीक नेक्स्ट है कि आपका जो क्लिनित ब्रुक थे उनका एटीट्यूड टूवर्ड्सिंग लिटरेचर क्या था तो आपका इसमें राइट आंसर है बी क्रिटिक शुड यूनिवर्सल रीडिंग तो तो ब्रुक ने कहा था कि यूनिवर्सल यूनिवर्सल रीडिंग रीडिंग जब भी की बात आएगी तो आपको क्लिनित ब्रुक आपको याद रखना है विस थियोरिस्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द विदिया ऑफ इमिटेशन यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इमिटेशन था वो किसने दिया था वर्ड इसी के साथ में आपको इमिटेशन वर्ड के साथ साथ में मिमेसिस वर्ड स्टीफन ऑफ गोसन स्टीफन गोसेंस का स्कूल ऑफ अब्यूज़ और ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो चुकी होंगी अब नेक्स्ट हु सेट दैट किड्स लव लेटर ऑफ सर्जेंस अप्रेंटिस उसने कहा था कि जो सर्जेंस का अप्रेंटिस है उसके लव लेटर किड्स के लव लेटर है तो ये जो बात कही थी वो कही थी आपकी अनॉल्ड ने नेक्स्ट आपका है विच थ्योरिस्ट एसोसिएटेड टू ये आर्ट ऑफ आर्ट इज कॉपी ऑफ कॉपी काफी बार ये आ चुका है अब आपको होपफुली आपको बिल्कुल याद हो चुका होगा ये कि ये प्लेटो का था स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज जो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजिडी होती है वो क्या होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए ये एरिस्टोटल ने बताया था तो उन्होंने कहा था कि ये कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए हु इज द राइटर ऑफ हैमलेट एंड ऑडिपस जो हैमलेट एंड ऑडिपस था ये किसने लिखा था ये वर्क तो आपका जो आंसर है वो है आपका डायलॉगज डालु, क्या है डायलॉगिज्म आपको बताना है कि डायलॉगिज्म क्या है तो डायलॉगज के जो पार्ट थे मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको नोट्स नोट बनाने हैं ऑल ऑफ दर करेक्ट इसमें कहा था कि ये मकैल बख्तिन का था और साथ ही साथ ये था कि इसमें डिस्क्राइब हाउ टेक्स्ट इंक्लूड वैरायटी ऑफ स्टाइल एंड यूज द एक्सप्लेन ऑफ यूज़ ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ लिटरेचर हमें देखने को मिलते हैं फिलिप सिडनी का जो अपोलॉजी फॉर पोइट्री था ये किसके आंसर में उन्होंने लिखा था किसको उन्होंने आंसर किया था इसमें ये उन्होंने किया था स्टीफन गौसेंस ने गौसन के का जो की जो बुक थी यहाँ पे जो है हाउ रीड अ शॉर्ट स्टोरी क्रिटिकली विच कम्स ज द लास्ट थिंग डू इन क्रिटिकल रीडिंग ऑफ नैरेटिव तो आपका जो आंसर है वो है आपका बी एनालाइज रेटोरिकल एलिमेंट वर्ड है ब्राउनिंग या कॉलरिज ने तो आपका जो आंसर है वो है सी कॉलरेज फॉलो ऑफ प्रिजन ऑफ बेसाइल था वो कब हुआ था तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि राइट आंसर है आपका सी सेवनटीन ऐटी नाइन इसमें मैंने आप लोगों को एक हिंट भी दी थी कि जो ब्लेक की जो पोइट्री थी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वो भी इसी ईयर में पब्लिश हुए थे इसलिए रोमांटिक पीरियड की स्टार्टिंग पॉइंट भी कुछ लोग सेवनटीन ऐटी नाइन को मानते हैं लेकिन जो हम कहें कि वेल नोन well है वो सेवनटीन नाइनटी एटी है वन ऑफ द डिसडवाटेजेस ऑफ द स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म इज दैट टेंड टू मेक रीडिंग टू सब्जेक्टिव कौन सा स्कूल ऑफ यू नो क्रिटिसिज्म है जो कि बहुत सब्जेक्टिव बना देता है रीडिंग को तो आपका जो आंसर है वो है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म जो एलजबे प्योरिटिन क्रिटिक थे उन्होंने एक लिखा था फादर ऑफ लाइज कहा था उन्होंने पोइट्स को और स्कूल ऑफ अब्यूज उन्होंने लिखा था उनके वर्क का वर्क का नाम भी स्कूल ऑफ अब्यूज था तो आपका जो आंसर है वो है स्टीफन गॉसन डायलेक्टिकल मटीरियलिजम क्या है तो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म था फॉर्म ऑफ लिटरी इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स जो क्रिटिसिज्म हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स पे होगा उसे हम डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म कहते हैं विद वट लिटर क्रिटिक द टर्म फंक्शन मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड जो टर्म है फंक्शन मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड वो कौन सा था तो आपका जो आंसर है वो है आपका माइकल फुको हु मेड अ डिफरेंस बिटवीन पोएट्री एंड पोएम जो डिफरेंस बिटवीन पोएट्री एंड पोएम है वो किसने बनाया था कॉलरिज ने एडिसन ने अनोल्ड ने या टी एस एलियट ने तो आपका जो आंसर है वो है कॉलरिज अकॉर्डिंग टू जेनेवा स्कूल वॉट इज द फंक्शन ऑफ अ रीडर जो फंक्शन ऑफ रीडर है वो अकॉर्डिंग टू जेनेवा स्कूल वो क्या हैं तो आपका जो राइट right आंसर था वो था डी ऑल ऑफ दी अबव तो आप लोग इसे देख सकते हैं नेक्स्ट है हाउ मेनी पॉइंट्स व इंक्लूडेड इन जॉनसन द लाइव ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पॉइंट जो लाइव ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पॉइंट्स है उसमें कितने राइटर्स उन्होंने इंक्लूड किए थे तो आपका जो राइट right आंसर था वो था फिफ्टी टू इसके बाद हम कुछ नए क्वेश्चन फिर से लेंगे और पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे सो so, यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्क्स ऑफ डिकन्स्ट्रक्शन डिकन्स्ट्रक्शनिस्ट क्रिटिक तो इसमें आपका आंसर था लास्ट वाला डी आप लोग इसे पूरा पढ़ सकते हैं नोट्स बना सकते हैं तो चलिए आप लेते हैं कुछ नए क्वेश्चन प्लेटो इक्वेटेड पोइट्री विद पेंटिंग एंड एरिस्टोटल इक्वेटेड इट जो प्लेटो थे उन्होंने पोइट्री को पेंटिंग माना था पेंटिंग के जैसा माना था लेकिन जो एरिस्टोटल थे उन्होंने इसको किस चीज से कंपेयर किया था सो इट वॉज म्यूजिक म्यूजिक विल बी आंसर अगला है द न्यू क्रिटिक्स वर जो न्यू क्रिटिक्स से है कैटेगरी वो साइकोलॉजिकल क्रिटिक्स हैं फेमिनिस्ट क्रिटिक्स फॉर्मलिस्ट कैटेगरी में आते हैं या मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स हैं तो आपका जो राइट right आंसर है वो है फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन बेस्ट डिफाइंस द लिटरेरी थ्योरी नोन एज फॉर्मलिज्म जो फॉर्मलिज्म है वो बेस्ट किस चीज़ से डिस्क्राइब किया जा सकता है एन अप्रोच दैट एम्फसाइजिज लिटरी डिवाइस इन अ टेस्ट एन अप्रोच दैट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्सट ऑफ अ टेक्सट एन अप्रोच दैट एम्फेसाइजिज द बायोग्राफिकल इंटेंट ऑफ अ टेक्सट एन अप्रोच दैट एम्फेसाइजि रेशल इशूज इन अ टेक्सट सो जो आपका आंसर है वो है एन अप्रोच दैट एम्फसाइज लिट्रे डिवाइस इन अ टेक्स्ट नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पिटी एंड फियर आर इवोड बाय जो एरिस्टोटल थे उन्होंने पिटी एंड फियर के बारे में कहा था कि पिटी एंड फियर आर इवोव्ड बाय कॉमेडी के द्वारा ट्रेजिडी बाय ट्रेजिडी सटाया मेलोड्रामा तो आपका जो राइट right आंसर है वो है ट्रेजिडी व्हाट इज डिनोमा डिनोमा क्या है दी एंडिंग ऑफ अ ट्रेजिडी दफ अ कॉमेडी द क्लाइमैक्स इन अ ट्रेजिडी या क्लाइमैक्स इन कॉमेडी तो जो डिनोमा है वो होता है आपका एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी जो कॉमेडी का लास्ट जो पार्ट होता है उसे हम डिनोमा कहते हैं अकॉर्डिंग टू जेक्स लाकन द मिरर स्टेज इज द पॉइंट एट विच अ चाइल्ड जो मिरर स्टेज थी उसके बारे में जैक्स लाकर ने कहा था या आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था रिफ्यूज मैटरनल बॉन्ड्स इज एबल टू सेपरेट द आई फ्रॉम द अदर इनटू इन टू फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल ऑफ द अबव आंसर आर करेक्ट सो आपका जो आंसर है वो है बी इज एबल टू सेपरेट द आई फ्रॉम अदर्स हु इज द मोस्ट इलिस्ट्रियस डिसाइपल ऑफ सॉक्रेटीज जो सोक्रटिस थे उनके स्टूडेंट कौन थे प्लेटस प्लाटस और प्लेटो या क्राइटस तो आपका जो आंसर है वो है आपका प्लेटो विच ऑफ लिटरेरी थियोरिस्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद बिकेम नोन एज लिबरल ह्यूमनिज्म जो लिबरल ह्यूमनिज्म था वो किससे एसोसिएटेड है इन ऑप्शन uh, में से एरिस्टोटल विक्टर स्कॉल वोस्की स्टैन लिफिश या टोनी मॉरिसन तो आपका जो आंसर है वो है एरिस्टोटल वट आर सम कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ लिटरेरी थ्योरी जो लिटरेरी थ्योरी की जो कॉमन क्रिटिसिज्म है वो क्या है थ्योरी हैज रिप्लेस्ड लिटरेरी एप्रिशिएशन विद फॉर्मूलाज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रीजनिंग ऑफ थ्योरी इज ऑफ टू सर्कुलर Many theories have been pushed too far into abstraction. all of the above answers are correct. Your answer is d. Plato said that art is an imperfect reflection of the real world. imperfection reflection of real world hai. because art represent only part of the world. art describes only what appears and not what is real. आर्ट टेल्स लाइज अबाउट वर्ल्ड. आर्ट इज एन एक्जन ऑफ वर्ल्ड. तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी तो प्लेटो के अकॉर्डिंग ये बात आ, हम कह सकते हैं कि जो आर्ट है वो जैसी दिखती है वैसा होता नहीं है प्लेटो हैज़ अ पॉजिटिव वे व्यू ऑफ आर्ट इज सो फार एज जो प्लेटो थे उनको उनका एक पॉजिटिव व्यू भी था आर्ट के बारे में वो क्या था

अनोल्ड थे उनके बारे में कहा गया था कि वो एक प्रोपगेंडिस्ट थे ना कि एक क्रिटिक कैलेल रस्किन टी एस एलियट एफ आर लुइस तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी टी एस एलियट लिट्रे थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म ये किससे रिलेटेड है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म ड्राइडन पोप डॉक्टर जॉनसन या एडिसन सो इट इज

Arichu feminine, Feminine. How women really feel about male writers. The inscription of womanhood and femininity in text. Second wave feminism. Ya psychological study of women. <coughs> right answer hai B. The inscription of womanhood and femininity in text. How do Marxist theorists react to ideology? जो मार्क्सिस्ट थियोरिस्ट होते हैं वो आइडियोलॉजी से कैसे रिएक्ट करते हैं दे एक्सेप्ट आइडियोलॉजी एज एन एशेंशियल ऑल दो समटाइम्स प्रॉब्लमेटिक पार्ट ऑफ सोसाइटी दिस दिस सब्जेक्ट ऑल आइडियोलॉजीज टू क्रिटिक इन ऑर्डर टू एक्सपोज बाय इंटरेस्ट दे रिजेक्ट द आइडिया दैट आइडियोलॉजी हैज़ रियल इफेक्ट्स ऑन सोशल प्रोग्रेस ऑल ऑफ द अबव सो योर आंसर इज बी दे सब्जेक्ट ऑल आइडियोलॉजीज टू क्रिटिक इन ऑर्डर टू एक्सपोज बाय इंटरेस्ट वट अप्रोज टू लिटरे क्रटिसिजम रिक्वायर्स द क्रिटिक टू नो अबाउट द ऑथर्स लाइफ एंड टाइम तो इनमें से कौन सा है हिस्टोरिकल फॉर्मोलिस्ट मे या तो ये है आपका हिस्टोरिकल तो हिस्टोरिकल क्रिटिक्स ऑथर्स ऑथर्स लाइफ एंड टाइम्स के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं हाउ मेनी टाइम्स डू वर्ड कथार्स इस अपियर्स इन पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स जो वर्क है एरिस्टोटल का उसमें कथारसिस वर्ड कितनी बार आया है तो ऑप्शन आर थ्री टू फोर सिक्स द राइट आंसर इज टू इको थियोरिस्ट टेंट टू शो एन इंटरेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाउ राइटर कंसेप्चुअलाइज नेचर एनवायरनमेंट्स एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल इशूज इन लिटरेचर एंड कल्चर हाउ राइटर्स हैव डैमेज द इन्वायरमेंट how the environment can be repaired? who is responsible for damaging the environment? so your right answer is a, how writers conceptualize nature in environment and represents of environmental issues in literature and culture. that is eco-theorist. which school of theories? theorist is most closely associated with phenomenology? so phenomenology, say associated, with is school, hai, वो कौन सा है मॉस्को स्कूल द शिकागो स्कूल फ्रैंकफर्ट स्कूल या जेनेवा स्कूल तो आपका जो राइट आंसर है वो है जेनेवा स्कूल जेनेवा स्कूल फिनमिनलॉजी से जुड़ा हुआ है नेक्स्ट वट वॉज ड्राइडन टू से अबाउट द दस ऑफ थ्री क्लासिकल ड्रोमेटिक यूनिटीज ड्राइडन थे उन्होंने थ्री क्लासिकल यूनिटीज के बारे में क्या कहा था He advocates their strict observance. He does not advocate their strict observance. He says that every dramatist should decide it for himself. He is silent about this issue. So answer is B. So whenever if somebody says three classical dramatic unity should be there, he is called classics or classist. So he does not advocate their strict observance what is purpose of feminist theory jo feminist theory hai uska purpose kya hai to advocate for women's right to create literary subject with which female readers can identify to critique phallocentric assumptions about literature all of the above answers are correct so your answer is all of the above correct so feminist theory you can read all these. ऑन दिसम इज कंसिडर्ड जो ऑन दि सब्लाइम वर्क है वो किस चीज से रिलेटेड है ये लॉन्जाइनेस का वर्क है क्लासिकल अप्रोच रोमांटिक अप्रोच न्यू क्लासिकल अप्रोच सो आपका बी है रोमांटिक अप्रोच रोमांटिक अप्रोच जब हम बोलते हैं तो हम बात करते हैं फ्री एक्सप्रेशन की हु हुइंट द एक्सप्रेशन ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव ये जो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव था ये किससे रिलेटेड है कॉलरेज टी एस एलियट एलेंटेट या एफ आर लुइस तो आपका आंसर है बी ये है आपका टी एस एलियट से रिलेटेड और टी एस एलियट ने कहा था कि जो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हेमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर कहा था और ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव होता क्या है उनका कहने का मतलब होता है कि जो सीन्स होते हैं ड्रामा में या जो एक्शंस होते हैं ड्रामा में वो प्रॉपर चीजों के साथ में दिखाई देने दिखाया जाना चाहिए या एक्सप्रेस किया जाना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोवाइड्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिफेमुलराइजेशन सो जो डिफेमराइजेशन है वो किससे किस टेक्सट से, से उसका एग्जाम्पल मिलता है एरिस्टोटल्स पोइटिक्स द द्रूच सोनाटा जोसेफ कॉन्रास हार्ट ऑफ डार्कनेस डब्ल्यू ई बी डी यू बॉयस सोल ऑफ ब्लैक इज बी लियोटॉल के बारे में पता चलता है प्लेटो इक्वेटेड पोएट्री विथ पेंटिंग एंड एरिस्टोटल इक्वेटेड इट विथ प्लेटो ने पोएट्री को पेंटिंग से इक्वेट किया था जबकि जो एरिस्टोटल थे उन्होंने किस चीज से किया था तो आप लोगों को इसको आ, बताना है आपका जो राइट right आंसर है अभी हमने इसे देखा था सो वी आर गोइंग फॉर रिविजन तो आपको बताना है आंसर है आपका म्यूजिक नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली मैं आप लोगों का रिविजन इसमें कर लेते हैं द न्यू क्रिटिक्स व जो न्यू क्रिटिक्स थे वो कौन थे आपका आंसर है सी फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स विच ऑफ द डिस्क्रिप्शन बेस्ट डिफाइंस द लिटरेरी थ्योरी एज फॉर्मलिज्म फॉर्मलिज्म इन में से कौन सा कौन सी चीज बेस्ट शो करता है तो ये है आपका ए आंसर तो फॉर्मलिज्म क्या होता है एन अप्रोच दैट एम्फसाइज लिटरे डिवाइस इन टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पिटी एंड फियर जो होते हैं वो किस चीज से इवोक होते हैं या किस चीज में इवोक होते हैं तो आपका आंसर है ट्रेजिडी ये ट्रेजिडी पिटी एंड फियर को इवोक करती है वट इज डिनोमा जो डिनोमा है वो क्या है डिनोमा जो होता है आपका जो आंसर है वो है बी ये होता है आपका एंडिंग पार्ट ऑफ अ कॉमेडी फाइनल पार्ट अकॉर्डिंग टू जैक्स लाकन द मिरर मिरर स्टेज स्टेज जो mirror stage होती है वो क्या होती है ये है आपका आई फ्रॉम अदर्स टू सेपरेट हु मोस्ट इलस्ट्रियस डिसाइपल ऑफ जो सॉक्रेटीज के इलस्ट्रियस uh, डिसाइपल थे वो कौन थे तो आपका जो आंसर है वो है प्लेटो वी विल टेक सम न्यू क्वेश्चन लेटर

आर्ट इज एन इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड बिकॉज़ बी विल बी द आंसर आर्ट डिस्क्राइब्स ओनली एंड नॉट इज रियल प्लेटो हैज अ पॉजिटिव व्यू ऑफ आर्ट इज सो फॉर एज जो आर्ट है वो क्या करती है अगर प्लेटो के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव व्यू था वो क्या था आर्ट के लिए तो आपका जो आंसर था कि लेटमी मार्केट सेकेंड वन बी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उन्होंने कहा था कि इट इज गुड हु सेड दैट हुनोल्ड वॉज अ प्रोपगेंडिस्ट किसने अनाल्ड को प्रोपगैंड कहा था योर आंसर इज टी एस एलियट जो थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म से ड्राइड ओप ड्राइडन पोप जॉनसन या एडिसन आपका बी आंसर पोप फ्रॉम वेयर हैज द टर्म ऑडिपस कॉम्प्लेक्स ओरिजिनेटेड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स था ये कहाँ से ऑरिजिनेटेड हुआ ये टर्म ये हुआ आपका ऑडिपस एंड रेक्स की स्टोरी से जो हियर इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू फेमाइन एरिचो फेमाइन जो है वो uh, उसकी डेफिनेशन क्या है तो आपका आंसर है बी इंस्क्रिप्शन ऑफ वुमनहुड एंड फेमिनिटी इन टेक्स्ट